हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ब्राइडल टिप्स दूंगी जो कि आपके स्किन, हेयर एंड बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके कुछ दिनों में शादी है, एक महीने में, दो महीने में या फिर 10-15 दिन में भी शादी है, तो भी ये अगर स्टेप्स आप अपनाओगे तो आपका जो स्किन, हेयर एंड बॉडी है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगी, अगर आपके स्किन में कुछ ज्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हो। बट अगर आपका नॉर्मल जो स्किन प्रॉब्लम होता है वही चल रहा है तो आप मैं जो बता रही हूँ वो करोगे तो आपका स्किन काफी इम्प्रूव हो जाएगा। पहले मैं आपके फेस के स्किन के लिए बोलूंगी, सबसे पहले आपको CTM करना चाहिए। CTM मतलब क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। अगर आप पहले से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने स्किन के साथ, क्योंकि CTM बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए, अपने आपके स्किन के लिए। सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना चाहिए, एक अच्छा सा क्लींजिंग मिल्क जो कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, आपका ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, जो भी स्किन हो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो भी क्लींजिंग मिल्क है वो आप अप्लाई कीजिए। उससे अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद आप एक टोनर अप्लाई कीजिए। टोनर भी सेम आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो टोनर आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद टोनर जब ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद आप फेस पे सीरम अप्लाई कीजिए। सीरम अप्लाई करने के बाद या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आप सीरम अप्लाई नहीं करना चाहते तो सीरम जो है उसको आप स्किप कर सकते हो, बट CTM जो है क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग उसमें से आपको स्किप करने से नहीं चलेगा। तो टोनिंग करने के बाद उसके बाद अगर सीरम चाहो तो सीरम लगा लो, और अगर सीरम नहीं चाहते हो लगाना तो आप सीरम को स्किप करके उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप ऐसा कोई मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जिससे आपको जो आपके स्किन को जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, तो आपका स्किन जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देगा। और अगर आपका ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ऐसे मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो कि आपके स्किन में हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा प्लस आपके स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा ज्यादा। बिकॉज अगर ऑयली स्किन वाले अगर ज्यादा ऑयली कर देने वाले मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे तो आपके स्किन में पिंपल जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कोई मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो कि आपको ऑयल को भी कंट्रोल करेगा प्लस जो आपकी जो स्किन में जो जितना हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है वो भी प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे आप CTM क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर आपको करना है, ये आपको दिन में दो बार करना है, एक बार आपको मॉर्निंग में, एक बार आपको इवनिंग में। ये CTM जो होता है ये हमारे स्किन के लिए खाने की तरह होता है। CTM करने से आपके स्किन को इम्प्रूव होना ही होना है, कोई भी नहीं रोक सकता आपके स्किन को इम्प्रूव होने में। तो अगर आप ये करोगे तो आपके स्किन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आपको हफ्ते में 2 दिन स्क्रब करना है। स्क्रब आपके स्किन में जो भी अच्छा लगता है, जो भी सूट करता है वो स्क्रब जो है कर सकते हो। स्क्रब जो है वो रेगुलर करना अच्छी बात नहीं होता है। आपको अगर हफ्ते में 2 दिन आप स्क्रब करोगे तो आपके स्किन में जो भी डेड सेल है वो रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए स्क्रब करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो आपके जो नोज के एरिया में जो भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वगैरह होता है वो भी स्क्रब करने से रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपको फेशियल करना है, बट हाँ फेशियल करने के लिए आपको किसी भी पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो आप घर पे बैठ के फेशियल कर सकते हो। मैं खुद कभी भी किसी पार्लर में जाके आज तक फेशियल नहीं करवाया है, तो फेशियल जो है आप घर बैठ के बहुत आसानी से कर सकते हो। घर पे फेशियल करने से वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है, घर पे जो सामान होते हैं किचन में उसी से ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ ये चीजें, बट आपको मैं बता रही हूँ, बट आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कि कैसे आपको करना है आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो है आपको बेसन लेना है 1 चम्मच, उसमें आपको 1 चम्मच आमंड ऑयल जो है उसको मिक्स्ड करना है, साथ में आपको थोड़ा दूध लेना है, थोड़ा सा हल्दी लेना है। इस मिक्सचर को आपको ज्यादा लिक्विड भी नहीं बनाना है या फिर बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बनाना है, थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाना है जो कि आप फेस पे अप्लाई कर सको। तो उसको आप फेस पे अप्लाई करके रखो, उसके बाद आपको वो जब ड्राई हो जाएगा, चाहे वो 20 मिनट्स में हो, 30 मिनट्स में हो या फिर 40 मिनट्स में, बस ड्राई होने के बाद आपको उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। तो ये फेशियल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। अगर आपका शादी 2 महीने बाकी है तो आप 4 बार ये फेशियल कर सकते हो। तो और ब्लीचिंग जो है आपको बिल्कुल भी नहीं कराना है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ब्लीच जो है हमारे स्किन को ऊपर का जो स्किन का जो टेक्सचर है उसको ब्लीच करके रिमूव करके आपके स्किन को क्लीन करता है, जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। ऑल्सो जिनके स्किन में जो भी हेयर होता है उसको ब्राउन कर देता है। मैं आपको बताऊंगी ब्लीचिंग करने से अच्छा है आपके जो फेशियल हेयर जो है उसको आप नॉर्मली थ्रेडिंग के हेल्प से
या फिर रेजर से जो आपको सही लगे उससे आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि फेशियल हेयर रिमूव करना काफी जरूरी होता है मेकअप के टाइम। ब्राइडल मेकअप जब भी आप कराओगे तो उससे पहले आपको आईब्रो, अपर लिप्स या फिर फेशियल में या साइड में जो भी हेयर है आपको सारा रिमूव करना है। तो पहले से आपको ब्लीच करने की स्किन में कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से CPM, स्क्रबिंग एंड अगर फेशियल करोगे तो आपका स्किन जो है नेचुरली काफी ज्यादा ग्लोइंग दिखेगा, काफी ज्यादा हेल्दी दिखेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको पानी पीना है प्रॉपर, क्योंकि हर रोज 3 से 4 लीटर पानी अगर आप नहीं पियोगे, चाहे आप फेस पे जितना भी अच्छी क्रीम हो या फिर कुछ भी आप कर लो, तो आपकी स्किन में वो नेचुरल ग्लो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जो पानी है वो आपको पीना बहुत जरूरी है। साथ में आप योगा कर सकते हो, योगा भी जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा, तो स्किन हेयर के लिए एंड हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप योगा कर सकते हो, पहले से अगर नहीं करते हो, मुझे पता है बहुत जनों को लेजीनेस फील होता है योगा करने में, ये सब करने, अगर आप पहले से नहीं करते ठीक है, बट एटलीस्ट आपके शादी के दिन से अगर कुछ दिन बाकी है, अभी 1 महीना 2 महीना बाकी है, तो आप करो तो आप देखोगे कि आपके स्किन जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि सारा चीज एक साथ आप करोगे तो उसके बाद एक ओवरऑल एक आपके फेस पे ग्लो आएगा। अगर आप पानी पी रहे हो या फेस पे कुछ नहीं लगा रहे हो, या फिर फेस पे लगा रहे हो पानी नहीं पी रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, तो आपका जो कम्प्लीट ग्लो है, जिस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ कि 15 दिन में भी पॉसिबल है आपके फेस में अच्छा खासा ग्लो आना, ये सब करने से, कम्प्लीट करने से आपका फेस में जो है वो ग्लो आएगा। हेयर के लिए मैं बताना चाहूंगी, ज्यादा कुछ आपको हेयर में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पार्लर में जाके स्पा कराते हो तो वो भी आप बंद कर दो, आपको स्पा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के एक चीज कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आप कोकोनट ऑयल लीजिए, जो नॉर्मल उत्तम कोकोनट ऑयल या फिर पैराशूट कोकोनट ऑयल है वो वाला, और कोई भी आजकल जो भी नए ब्रांड का कोकोनट ऑयल आ रहा है वैसा कुछ भी मत लीजिए, नॉर्मल पुराने टाइम से जो कोकोनट ऑयल मिलता है मार्केट में पैराशूट या उत्तम वो लीजिए। कोकोनट ऑयल को उसके साथ आप थोड़ा सा टी ट्री ऑयल जो है उसको मिक्स कर दीजिए, साथ में थोड़ा लैवेंडर ऑयल मिक्स कर दीजिए। लैवेंडर ऑयल आप 9 to 10 drops ले सकते हैं, टी ट्री ऑयल 5 to 6 drops ले सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके रात को पूरे स्कैल्प पे एंड बालों के लेंथ तक एकदम नीचे तक आप अच्छे से जो ऑयल है वो मसाज कर लीजिए। उसके बाद उसको ओवरनाइट रखने दीजिए एंड नेक्स्ट डे आपके मतलब हेयर में जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उससे आप हेयर वॉश कर लीजिए। इससे आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो चला जाएगा, स्कैल्प पे अगर इचीनेस होगा वो ठीक हो जाएगा, ऑल्सो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, एंड साथ में आपका जो हेयर है बहुत अच्छे से कंडीशनर की तरह काम करता है, तो बहुत अच्छे से इसको स्मूथ कर देता है, बहुत सॉफ्ट बना देता है, जो कि आपको स्पा करने के बाद जो सॉफ्टनेस आपके हेयर में फील होता है सेम वही सॉफ्टनेस आपको इसमें फील होगा। तो आप ये कर सकते हो, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में ये 3 बार कर सकते हो। उसके बाद मैं बॉडी के लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि जितना जरूरी स्किन आपके फेस एंड हेयर को अच्छा होना है उतना ही जरूरी होता है एक ब्राइडल के लिए उसका बॉडी का जो टेक्सचर है, बॉडी का जो स्किन है वो इम्प्रूव करना। तो इसलिए बॉडी के लिए आप एक बहुत अच्छा स्क्रब है जो होममेड स्क्रब है मैं आपको बताऊंगी। आप पहले चीनी लीजिए, ब्राउन शुगर होना चाहिए, नॉर्मल वाला जो चीनी है वो नहीं, ब्राउन शुगर साथ में ऑलिव ऑयल, इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। उसको आप फुल बॉडी में एज ए स्क्रब, जैसे आप फेस में स्क्रब करते हैं सेम उसी तरीके से सर्कुलर मोशंस पे अपने हाथों के हेल्प से बहुत अच्छे से फुल बॉडी में स्क्रब कर सकते हो। ये आप रेगुलर भी कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में अगर आप रेगुलर स्क्रब करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर एक दिन गैप देके भी आप ये कर सकते हो। तो ये आप अगर करोगे तो आपका जो बॉडी का जो डेड सेल है वो भी रिमूव हो जाएगा, एंड बॉडी के जो स्किन है उसका टेक्सचर काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा, पहले से बहुत ग्लोइंग हो जाएगा। तो ये आप बॉडी के लिए कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर मैंने स्किन हेयर बॉडी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो कि थोड़ा बहुत हेल्दी है, जो आप चाहते हो कि आप शादी के दिन तक आप स्लिम हो जाओ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शादी के दिन आप परफेक्ट दिखो। तो इसलिए अगर आपको स्लिम होना है, आप पूरी तरीके से मैं नहीं बोलूंगी कि ये करने से आप एकदम स्लिम हो जाओगे, हाँ थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जो आपका फैट है तो वो आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो इसके आपको क्या करना है, सुबह उठ के नॉर्मल हल्का सा गर्म पानी में एक नींबू जो है उसको लेना है, नींबू के रस उसके साथ मिक्स करना है, एंड साथ में 1 चम्मच जो है हनी लेना है। इन तीनों को मिक्स करके आप सुबह उठ के खाली पेट आप सबसे पहले ये पियो। उसके बाद आपको जैसे मैंने बोला है योगा कीजिए, फिर उसके बाद जो जो स्टेप बताया सेम उस तरीके से कीजिए। तो और एक चीज है, अगर मैंने जो जो आपको बताया है उसके साथ आप जो रात का जो नींद है वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए। रात को आपको कंप्लीट 8 घंटे का नींद होना चाहिए। अगर आप 8 घंटे का नींद लेते हो रात को,
उसके साथ आप ये सारे घरेलू जो नुस्खे मैंने बताया है ये सारे चीजें करते हो, लाइक सीटीएम स्क्रब, फेशियल, बॉडी स्क्रब प्लस गियर में जो ऑयलिंग का जो मैंने बोला है वो वाला, ये सब करते हो तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत आसान है, बहुत इजीली आप ये घर पे कर सकते हो। ये सब कुछ करने से चाहे आपकी शादी के 15 दिन बाकी हो, एक महीने बाकी हो या फिर दो महीने बाकी हो, कम्प्लीटली आपका जो बॉडी स्किन एंड हेयर है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा एंड शादी के दिन तक बहुत अच्छे से आपका जो दिन है वो काफी स्पेशल बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।